मुझे पता है कि ये वीडियो का टाइटल पढ़ के आप यही सोच रहे हैं कि दिसंबर की मेरी फेवरेट चीजों के बारे में बताने के लिए शायद थोड़ी देरी हो चुकी है, पर फिर भी मैंने ये सोचा कि ये दिसंबर के फेवरेट्स तो हैं ही, पर साथ ही साथ सर्दी के मौसम के लिए मेरी कुछ फेवरेट चीजें हैं। मैंने कहा ये मौसम खत्म होने से पहले आप इन चीजों का फायदा उठा सके, मजा उठा सके, इसीलिए शेयर जरूर करनी चाहिए। शुरुआत करते हैं मेरी नंबर वन फेवरेट चीज से। जैसे ही सर्दियां शुरू हुई, मेरा स्किन जो एकदम ड्राई है वो और भी ड्राई होने लगा, और जैसे स्किन जो पील होने लगता है, निकलने लगता है, वैसे होने लगा, और देखने में वो इतना भद्दा, इतना गंदा लगता है, और आप लाख कोशिश करें छुपाने की वो छुपता नहीं है, क्योंकि उसके ऊपर अगर आप मेकअप लगाएं तो वो और भी रूखा सूखा और भी गंदा दिखने लगता है, इसलिए आप इसे मेकअप से भी नहीं छुपा सकते। मैंने कई क्रीम्स ट्राई की, बहुत महंगी महंगी, बहुत बड़ी बड़ी ब्रांड्स की क्रीम्स ट्राई की, मॉइस्चर 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 ये क्रीम्स बोलती थी, कोई भी क्रीम ने मेरे लिए काम नहीं किया। तो ये है सेटाफिल क्रीम, और मैं ये भी बता दूं कि सेटाफिल क्रीम के दो वर्जन्स हैं, एक तो नॉर्मल सेटाफिल क्रीम है और दूसरा है ये DAM जो है डेली एडवांस अल्ट्रा हाइड्रेटिंग लोशन। तो मैंने ये लगाना शुरू किया, थैंक गॉड मेरा स्किन कुछ कुछ हद तक ठीक होने लगा, और वो जो ड्राई स्किन, निकलने वाला स्किन, वो चीज़ बंद हो गई। ये मुझे दिन में दो बार या तीन बार लगाना पड़ता है, पर एटलीस्ट दो तीन बार लगाने से काम करना शुरू कर दिया और मेरा स्किन धीरे धीरे बेटर हो गया। अब मैं दिन में एक बार या दो बार भी लगाऊं तो चल जाता है, पर ये क्रीम ने मुझे बचा लिया इन सर्दियों में, नहीं तो मेरे स्किन की इतनी बुरी हालत हो रही थी कि मुझे रोना आ रहा था कि मैं क्या करूं। अब सर्दियों के मौसम में लिप्स जो है वो सबके ड्राई हो ही जाते हैं। ये एक ब्रांड है, छोटी सी डिब्बी में आता है, बहुत कन्वीनियंट नहीं है लगाना, वो ट्यूब में नहीं आता, इसमें आता है, पर इसके जैसा काम कोई नहीं करता। ये मेरी फेवरेट लिप बाम है, ये है ओरिफ्लेम का टेंडर बाम। सब डिटेल्स और प्राइसेस मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो वहां पे आप देख सकते हैं। और ये आप कहीं चोट लगे लिप्स के ऊपर, स्किन के ऊपर, बहुत सारे इसके यूजेस हैं, और ये हल्का है लिप्स के ऊपर, चिपचिप नहीं होता, और वो सिर्फ मॉइस्चर देता है और हल्की सी शाइन देता है, और ये मेरा सबसे फेवरेट प्रोडक्ट है सर्दियों के लिए। ये थे मेरे ब्यूटी के फेवरेट्स। अब मैं आपको बताती हूँ अपने मेकअप के फेवरेट्स। ज्यादा मेकअप मैं यूज नहीं करती, पर नेल पेंट्स मुझे बहुत पसंद है। नेल पेंट्स में भी मैं वो नेल आर्ट और पेंटिंग वेंटिंग नहीं करती अपने नेल्स के ऊपर, सिंपल सी नेल पॉलिशेस यूज करती हूँ। अलग अलग कलर्स से एक्सपेरिमेंट करना मुझे अच्छा लगता है। और दिसंबर के महीने में नायका की सेल चल रही थी, और नायका की सेल के समय मैंने ट्राई किए नायका के नेल पेंट्स पहली बार। पहले मैंने एक ही खरीदा, और उस एक से मैं इतनी इंप्रेस्ड हुई, इतना अच्छा लगा मुझे वो नेल पेंट, कि फिर मैंने जाके चार पांच और कलर्स खरीदे। और अभी जो मैंने नेल पेंट पहना हुआ है वो है ग्रेप जेली, और वो मेरा सर्दियों के लिए फेवरेट नेल पेंट है। नायका के नेल पेंट्स ड्राई जल्दी हो जाते हैं, उन पे शाइन बहुत अच्छी है, और तीसरी चीज ये है कि काफी समय तक वो लगे रहते हैं, लास्ट होते हैं, और दूसरे नेल पेंट से तो काफी अच्छे हैं, मेरे ख्याल से वन ऑफ द बेस्ट ब्रांड्स इंडिया में एटलीस्ट नेल पेंट्स के लिए। तो और कलर्स भी बहुत सुंदर सुंदर, बहुत अच्छे अच्छे हैं उनके। मैट कलर्स भी मैंने ट्राई किए, नॉर्मल कलर्स भी ट्राई किए, बहुत ही सुंदर कलर्स हैं। तो ये है मेरे कुछ फेवरेट कलर्स। हम बात करते हैं मेरे फैशन की फेवरेट्स की, क्योंकि इस बार सर्दी काफी जोर शोर से आई है मेरे शहर में, तो मुझे मौका मिल रहा है अपने लेयर्स निकालने का और सर्दी के कपड़े निकालने का। और ये जैकेट जो है ये मेरा फेवरेट जैकेट है, जो मुझे कभी कभार ही पहनने को मिलता है, पर क्योंकि आजकल मौका है तो मैं इसे खूब पहन रही हूँ। ये काफी पुराना है, ये मैंने दुबई से खरीदा था। इस जैकेट के साथ मैं यूजुअली पहनती हूँ एक अंदर टी शर्ट और अपनी नॉर्मल जीन्स। और फेवरेट शूज के बारे में भी मैं आपको बता दूं, सर्दियों के लिए ये है मेरे फेवरेट शूज, ये है प्रोमोट से, और ये भी मैंने काफी साल पहले, तीन साल पहले शायद खरीदे थे। मुझे बूट्स बहुत ही पसंद है, पर बहुत पसंद है दूसरों के ऊपर। जब मैं दूसरों को देखती हूँ बूट्स पहने हुए, मन करता है कि मैं भी पहन लूँ, मुझे भी रोज बूट्स पहनना चाहिए, पर पता नहीं क्यों, शायद मैं
कंफर्टेबल नहीं महसूस करती बूट्स में, एटलीस्ट अभी तक. ये बूट्स हैं भी नहीं पर बूट्स हैं भी कुछ बीच में है, और ये पहनना मुझे अच्छा लगता है, मैं काफी कंफर्टेबल फील करती हूँ. तो ये लेदर जैकेट, ये बूटीज, जीन्स, और हो गए हम सर्दी के लिए रेडी. अब मैं आपको बताऊं अपने एक फिटनेस फेवरेट के बारे में, और वो है ये मेरा नया खिलौना है जिसे मैं यूज कर रही हूँ और काफी इंजॉय भी कर रही हूँ. ये है एंकल वेट, जो आप पैर पे बांधते हैं इस तरह, और फिर ये पैर पे बांधने के बाद हम एक्सरसाइज करते हैं. और चाहे आप सिर्फ वॉक कर रहे हो या रनिंग कर रहे हो या लंजेस कर रहे हो या कुछ भी एक्सरसाइज कर रहे हो, उसका असर आप इससे और बढ़ा सकते हैं, अपनी इंटेंसिटी एंकल वेट से और बढ़ा सकते हैं. और मुझे इनके साथ अलग अलग एक्सरसाइजेस करने में काफ़ी मज़ा आ रहा है. शायद मैं जल्द ही वीडियो बनाऊँ एंकल वेट्स के साथ. अगर आप ऐसा वीडियो देखना चाहें एंकल वेट्स के साथ एक्सरसाइजेस का, तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स लिखिए, मुझे बताइए आप किस तरह के एक्सरसाइजेस देखना चाहते हैं. अब हम आते हैं मेरे चाय के फेवरेट्स पे. सर्दी का मौसम है और गरम गरम चाय पीना किसको नहीं पसंद है. तो मैं वो यूजुअल जो अपनी देसी दूध वाली चाय होती है और दूध वाली कॉफ़ी, मैं वो नहीं पीती, पर फिर भी चाय का मज़ा तो उठाना ही है. और ये चाय है जो मेरी फेवरेट 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 है, ये है लैवेंडर और वाइट टी. एकदम माइल्ड है, टी ट्रंक कंपनी की है, और इनकी पैकेजिंग भी इतनी क्यूट सी है कि मज़ा ही आ जाता है. तो एकदम माइल्ड चाय है ये, हल्का सा फ्लेवर है, वाइट टी है तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, और मुझे इसी तरह के फूलों के स्वाद वाली और हल्की चाय पसंद है. इस कंपनी के और बहुत सारे फ्लेवर्स हैं, जो भी फ्लेवर्स मैंने ट्राई किए हैं उसमें से मेरी फेवरेट 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 चाय है ये लैवेंडर वाइट टी. ये सब हैं चीज़ें जो मैं आजकल इंजॉय करती रही हूँ सर्दियों के मौसम में. मैं आशा करती हूँ आपको कोई ऐसा प्रोडक्ट या कोई ऐसी चीज़ के बारे में पता चला हो इस वीडियो में जो आपके काम आए, और अगर ऐसा कुछ आपको मिला है तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताइएगा. आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो थम्स अप दीजिए, कमेंट कीजिए, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए. थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर वॉचिंग.